बिस्मिली आर डूंग रिस्क मैनेजमेंट और उसमें हम जो टॉपिक पढ़े हैं दैट इज़ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हमने उसकी बात की है वट इज़ इट इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग रिस्क इन दोवरऑल एंटिटी एक हमने बात की थी जो कि हमने कहा था इंपॉर्टेंट एंड वील स्पेंड मोर टाइम ऑन इट दैट इज के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो दैट इज़ बीग अ मेजर थिंग कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही होती है या डिबेट हो रही होती है वहाँ पर कि क्या इतने बेनिफिट्स होंगे दैट इज

स्ट्रक्चर मिले हैं कंपनीज़ आर फ्रीकवेंटली एक्सेप्टेबल अबाउट इट्स वैल्यू एंड वेदर रिजल्ट विल जस्टिफाई इट्स कॉस्ट तो ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न देखा जाता है कि जो हम इस पर कॉस्ट इनकार करेंगे क्या उतने बेनिफिट्स ड्राइव होंगे कि नहीं होंगे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी होती है डिबेट भी होती है विच वी गोइंग टू कैर ऑन यारे से होलिस्टिक अप्रोच फॉर मैनेजिंग कंपनीज़ रिस्क प्रोफाइल की ओवरऑल रिस्क स्ट्रक्चरिंग के लिए हमें हेल्प आउट कर रही है जो ये एक मेजर टास्क है कि ओवरऑल रिस्क स्ट्रक्चर की आप बात यहाँ पे हो रही है इट इनकरेज इंकरेजेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू फॉसो एंड एम्बेज अ रिस्क अवेयर कल्चर दैट सपोर्ट फॉर्म वाइड कम्युनिकेशन के जितने भी हमारे नेटवर्किंग हैं जितनी हमारी डीलिंग्स हैं उसमें जितने हमारे विंग्स हैं उसमें सब में ये रिस्क का जो कल्चर है दैट नीड टू बी इम्प्लीमेंट दैट्स द मेन बेनिफिट वी गोइंग टू गेट वेन वी implement to the ERM by empowering individual at multiple level within and and across to identify, assess and communicate about risk. So ये ये तो ये जो हमें गैदर होगी ड्राइव होगी तो बोर्ड उस पर सकेगा बोर्ड कैन टेक स्पेसिफिक डिसीजन बोर्ड उस पॉइंट को अच्छे तरीके से रूट कर सके एग्जाम्पल फॉर इफ़ यू आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या आपको जो डेटा प्रोवाइड हो रहा है उसमें ही इतनी रिस्क की वर्किंग्स नहीं है रिस्क के पॉइंट्स नहीं है तो एज बींग बोर्ड मेम्बर बिकॉज आपको तो एजेंडाज एंड वर्किंग पेपर्स आर बींग देयर तो इट्स नॉट जस्ट बोर्ड इट हैज टू बी क्रॉस द बोर्ड इसलिए ई आर एम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत वैल्यूएबल है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ई आर एम इज़ नॉट टू एलिमिनेट रिस्क हमने पहले भी बात है कि रिस्क हम सारा हमारा मकसद कभी भी रिस्क सारे ख़त्म कर देना हो ये नहीं है बट आर इज़ टू मेनटेन अ लेवल ऑफ रिस्क वी हैट आर द रिस्क एंड वट वी कैन एक्सेप्ट वट वी शुड ट्रांसफर वट हाउ वी शुड मैनेज तो हमें पूरा एक स्ट्राटी की रिक्वायरमेंट होती है रादर देन के हम सारे रिस्क ख़त्म कर दें ये भी हमारा मकसद नहीं है बिकॉज हमें ये भी पता है कि वेन विल टेक सम रेस्क वन विल कम टू मार्ग आप कुछ काम करें नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ही सक्सेस की तरफ जाएंगे ना सो इफ़ यू डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्कट मीन यू आर गोइंग टू स्टेगनेट सो दैट इस नॉट द एम डिस्पाइड ई आर एम्स पोटेंशियल बेनिफिट्स कन्वर्सेशन अबाउट इम्प्लीमेंटिंग इट ऑफ इन फॉर्मल डिस इनकम्प्लीट तो इसमें क्लैरिटी नहीं आती डिस्कशन आती है डिबेट इसमें हमें अक्सर देखने में आई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक ये एक ये एक क्वेश्चन मार्क है कि एक एंटिटी की रिस्क मैनेजमेंट कैसी है ये कब पता चलता है जब कोई मेजर क्लेप्स हो जाता मतलब और वन थिंगस आर इन वेरी बैड शेप ये हमने 2001 और 2 के स्कैंडल्स में भी देखा 2007 थाउजेंड की मार्केट क्रैश में भी देखा कि जब पूरा क्लैप्स हो जाता है तब पता लगता है कि जी रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा काम नहीं करे थे तो ये पहले नहीं पता लगता जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है देन वी आर गोइंग टू फेस इट तो फिर हमें ये भी एक चैलेंज है कि जी आपका तो पता तब लगना है जब काम खराब हो जाना है वाई वी शुड स्पेंड नाउ सो दिस इज अ डिबेट इन रिस्पॉन्स अब इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया गया कि रेगुलर देन लीविंग कंपनीज गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स ने खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है एस सी सी पी स्टेट बैंक इन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनली तो स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में बड़े स्पेसिफिक रूल्स आ गए हैं एक स्पेसिफिक एक्ट है दैट इज कार्बनसले एक्ट दैट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट तो ई आर एम पोटेंशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज दैट मे लिमिट पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कॉस्ट तो डेफिनेटली है वो हम देखते हैं और वो नेगेटिवली उसका स्ट्रक्चर भी दिया जाता है कि जी ये कॉस्ट है क्या ये हम कॉस्ट की बात थोड़ी हम डिटेल में इन नेक्स्ट आर डिबेट करेंगे थैंक यू